हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.8 क्लास 6 का मैथ्स सब्जेक्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगोन। मतलब हमें बताना है कि कौन सा पॉलीगोन है। इफ एनी वन अमोंग देम इज नॉट, अगर इसमें से कोई नहीं है। इफ एनी वन मतलब इसमें से कोई, अमोंग देम इज नॉट, इसमें से कोई अगर नहीं है, से वाई, तो बोलिए क्यों नहीं है। वाई मतलब क्यों, तो इसमें से अगर कोई पॉलीगॉन नहीं है तो क्यों नहीं है वो। तो फर्स्ट दिया है, फर्स्ट वाला ये डायग्राम दिया है, ए बी सी डी। तो ए दिया है ऐसे, मतलब ये वाला एक शेप दिया है, मतलब एक डायग्राम दिया है, उसमें से बताना है कि ये पॉलीगॉन है कि नहीं। तो पॉलीगॉन के लिए हमेशा याद रखिए, पॉलीगॉन अगर कोई भी डायग्राम होता है तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये क्या है, क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी अंदर कोई चीज होगा तो वो बाहर नहीं जा सकता। मैं ये फॉर एग्जाम्पल एक दे दी आपको समझने के लिए, एक मैं बता दी, अंदर कोई चीज है तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे कोई एक चीज है तो यहाँ पे देखिए कोई भी बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब होता है क्लोज्ड शेप। तो यहाँ पे कोई चीज है तो ये गोल गोल घूमकर कर, यहाँ देखिए क्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है, खुला है, तो ये क्या होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा, ए में हो जाएगा नॉट अ पॉलीगॉन, नॉट अ पॉलीगॉन, नॉट अ पॉलीगॉन नहीं है, तो नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, मतलब ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, फिगर। होप आपको ए समझ आया होगा। अब हम लोग करेंगे बी डायग्राम। तो बी में क्या है, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है और इसका सिक्स साइड है, तो ये क्या है, पॉलीगॉन है। तो ये क्या है, बी पॉलीगॉन है। इसमें देखिए सी में ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे कहीं पे भी लाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉलीगॉन नहीं है, इसका मतलब आपको रीजन भी लिखना है क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं सी में लिख दूंगी नॉट अ पॉलीगॉन, नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज बिकॉज इट इज नॉट मेड अप, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब ये इस लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट मेड, मतलब ये मेड मतलब बना, इट इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से बना नहीं है, तो सी पॉलीगॉन नहीं है। अब चलते हैं डी में। तो डी में देखिए यहाँ पे लाइन बना है, फिर यहाँ पे एक शेप दे दिया गया जो कि लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। तो डी में मैं लिख दूंगी, डी में मैं लिखूंगी नॉट अ पॉलीगॉन, तो ये पॉलीगॉन नहीं है बिकॉज बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। होप आपको ए बी सी डी समझ आया होगा। ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, बी क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट है इसलिए पॉलीगॉन है। तो सी में क्या है, ये क्लोज्ड फिगर है लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है इसमें, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। डी में क्या है, क्लोज्ड फिगर है लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है नेम ईच पॉलीगॉन।
मतलब इस पॉलीगॉन का नाम लिखना है, मतलब ये ट्राइंगल है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर, मतलब ये कौन सा पॉलीगॉन है, नॉट ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर, मतलब ये कितने साइड का पॉलीगॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट नेम ईच पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉलीगॉन दिया है इसका कितना साइड है, 1 2 3 4, तो फोर साइड है। तो फोर साइड कौन से पॉलीगॉन का होता है, क्वाड्रिलेटरल का होता है। क्वाड क्वाड मतलब होता है फोर, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब होता है फोर, क्वाड मतलब फोर, हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल में क्वाड मतलब होता है फोर। तो ये वाला अब कौन सा पॉलीगॉन है, ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब थ्री साइड होता है, यहाँ पे देखिए ये थ्री साइड है, तो ये हो गया ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है इसमें फर्स्ट हम लोग साइड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 मतलब कौन सा होता है, पेंटागॉन, तो यहाँ लिख देंगे पेंटागॉन। पेंट माने पेंटागॉन माने फाइव साइड, हमेशा याद रखिए पेंटागॉन मतलब होता है फाइव साइड, तो यहाँ पे मैंने पेंटागॉन लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए पेंटागॉन PAN होता है, सॉरी पेंटागॉन, पेंटागॉन होता है, ये हो गया फाइव साइड। अब डी में आते हैं, तो डी में कितना साइड दिया, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड दिया है। 8 साइड माने ऑक्टागॉन, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन ऑक्टागॉन, ऑक्ट मतलब 8, 8 साइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका हो गया 8 साइड। तो हमेशा याद रखिए पॉलीगॉन में नाम अगर लिखना है तो साइड कितना साइड है देखकर आपको नाम नाम बताना होगा। फोर साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल, थ्री साइड मतलब ट्राइंगल, फाइव साइड मतलब पेंटागॉन, एट साइड मतलब ऑक्टागॉन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है मेक, क्वेश्चन नंबर 2 में और एक पार्ट दिया है, मेक 2 और मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस, मतलब आपको कुछ भी और भी एग्जाम्पल देना है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल, मतलब फोर अगर क्वाड्रिलेटरल दिया है तो आप चाहे तो फोर साइड दिया, तो फोर साइड ये वाला क्या हो गया, फोर साइड हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो आप एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन, मतलब एक रेगुलर हेक्सागॉन का आपको एक रफ स्केच बनाना है। उसके बाद कनेक्टिंग, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर हेक्सागॉन एक बना देंगे। हेक्सागॉन, हेक्सागॉन मतलब कितना साइड होगा, सिक्स साइड होता है, याद रखिए सिक्स साइड मतलब हेक्सागॉन। तो फर्स्ट मैं एक हेक्सागॉन बना दे रही हूँ, तो ये एक साइड, ये एक साइड, टू साइड हो गया। उसके बाद ये एक साइड 3, ये एक साइड 4, ये एक साइड 5, ये एक साइड 6, तो ये हो गया 6 साइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड हो गया। तो ये बन गया हेक्सागॉन। तो यहां से यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन, मैंने हेक्सागॉन बना दिया। उसके बाद दिया है कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब इसका तीन वर्टिसेस कोई भी कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करना है तीन तीन वर्टिसेस मतलब जॉइंट करना है, कनेक्ट मतलब तीन जॉइंट करना है। ड्रॉ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल, तो फिर मैंने सोचे ये वाला इसका वर्टिसेस जॉइंट कर दिया, ये वाला, तो ये वाला क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला एक ट्राइंगल बन गया। उसके बाद क्या दिया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन, तो आपको बताना है, अभी बताना है कि ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बना। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बना, मतलब ये इक्विलेटरल है, ये स्केलिन है, ये आइसोसेलिस है, कौन सा ट्राइंगल बना। तो ये ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया हेक्सागोन का। अब ये वाला कौन सा ट्राइंगल बना, तो देखिए ये वाला जो है ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी
ये वाला 90 डिग्री यहाँ पे मैंने बताया था, तो 90 डिग्री मैं इरेज कर देती हूँ, फर्स्ट मिटा देती हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। बस इसमें तो दिया है हेक्सागोन, हेक्सागोन का सिक्स साइड गिवन होता है, नॉट इक्वल गिवन होता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है कि नहीं ये तो पता नहीं है मेरे को। अब यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कौन सा है हमें पता करना है, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है हमें ये वाला पता करना है। अब ये पता करना है हमें, तो ये वाला क्या होगा, इसका साइड, हमेशा चीज नोटिस करिए, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, तीनों डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों, देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि ये वाला साइड छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। अब जब एक पूरा प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तब आपको अच्छे से मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों का साइड अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट, अगर साइड डिफरेंट है तो वो क्या हो गया, स्केलिन ट्राइंगल। तो ये SCALENE ट्राइंगल, तो स्केलिन ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्केलिन ट्राइंगल बन गया। हमेशा आप जब रफ फिगर बनाएंगे तब आप स्केल से भी मेजर कर देख सकते हैं कि ये हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या बना था, ABD, तो एंगल ABD क्या हो गया, स्केलिन ट्राइंगल हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी डाउट है, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।